My dear fellows, assalamu alaikum. Today, my presentation topic is photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is food making process in plants. Plants make their own food by using carbon dioxide and water. And what they produce? They produce glucose and oxygen. प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी यानी सॉइल या मिट्टी से वाटर को लेते हुए अपनी खुराक बनाते हैं और ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेकिंग प्लेस जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है तो फोटोसिंथेसिस के अमल से हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। फोटोसिंथेसिस इज द इम्पॉर्टेंट chemical change that take place in our world. If photosynthesis stop, the all living things will die. अगर photosynthesis रुक जाए तो तमाम जानदार मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो oxygen produce नहीं होगी। Oxygen तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए और respiration में करने के लिए ज़रूरी होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो इस दुनिया में कोई भी जानदार नहीं बचेगा। और दूसरा कि अगर फोटोसिंथेसिस का अमल स्टॉप हो जाए तो खुराक नहीं बनेगी। अगर खुराक नहीं बनेगी तो खुराक के बगैर इंसान या कोई भी जानदार चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती। अब हम देखेंगे कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारी ज़िंदगी में यानी ये जो दोनों प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के ऑक्सीजन और इन ग्लूकोज जो होते हैं ये हमारी ज़िंदगी में हमारी कैसे मदद करते हैं। ऑक्सीजन गैस जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको रिस्पायरेशन अमल में यानी सांस लेने के अमल में इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हम एनर्जी को बहुत सी एक्टिविटीज़ मसलन चलना फिरना कूदना खेलना या लिखना वगैरह में सर्व कर देते हैं। और फूड यानी ग्लूकोज फूड होता है जिसकी वजह से भी हमें एनर्जी मिलती है। अगर फोटोसिंथेसिस का अमल इस दुनिया में बिल्कुल नापैद ख़त्म हो जाए तो इस दुनिया से तमाम जानदार नापैद हो जाएंगे। थैंक्स।